ईरान के शिराज शहर में शिया समुदाय पर आतंकी हमला, 15 लोगों की मौत। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ईरान के शिराज शहर में आतंकवादी हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के शिराज शहर में स्थित शिया मुसलमानों के एक पवित्र स्थल पर 3 आतंकियों ने गोलियां बरसा दी। इस हमले में 15 लोगों की जान गई है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक की तलाश जारी है। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये मामला दक्षिणी ईरान के शिराज इलाके में स्थित शाह चेराग मसोलियम में हुई है। ईरान की एक मीडिया एजेंसी का कहना है कि हथियारबंद आतंकी शाम 5:45 पे मसोलियम में प्रवेश किए और अंधाधुंध गोलियां चला दी। आपको बता दें कि 16 सितंबर को 22 वर्षीय ईरानी महिला महासा अमीनी की मौत पुलिस हिरासत में हो गई थी। तब से ही ईरान में अशांति का माहौल है। लोग अपने अधिकारों के लिए वहाँ की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इसी अशांति का फायदा उठा के ईरान के दुश्मन ईरान के खिलाफ साजिश को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना की निंदा सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ईरान मिशन ईयू नाम के ट्विटर हैंडल का कहना है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। यूएन ने इस घटना की निंदा की है। जो भी आज इस घटना पर चुप्पी साधे हुए है उनको हमेशा ह्यूमन राइट्स के मामलों में चुप रहना चाहिए। तो सराज में इस नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा कि वो इस घटना से बहुत आहत हैं। इस घटना में 2 बच्चों और 1 औरत की भी जान गई है। ईरान में हुई इस हिंसा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे।